कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। खास तौर पर यह त्योहार मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट को भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा होती है। कहा जाता है गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक जगह है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्त गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आते हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान धरकर कथा को आरंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गिरधारी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरधारी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की, पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब आए, गोवर्धन पूजा के रूप में ये दिन मनाया जाए। युगों युगों से गोवर्धन की पूजा की जाती, गोवर्धन पूजन से खुशहाली घर में है आती। अन्नकूट उत्सव भी इस दिन मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की, पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की। मंडल में उत्सव का माहौल छाया था, हर कोई जुटा तैयारी में मन हर्षाया था। यशोदा मैया तरह तरह के बना रही पकवान, पूजा के लिए कर रही इकट्ठा वो सामान। कान्हा जी सब देख के हैरान हो जाते हैं, जाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की, पूजा गोवर्धन की कमी रहे नान धन की।
हे मैया प्यारी, क्या हो रहा है गोकुल में, हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की।
आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। गोकुलवासियों में इतना साहस कैसे आया, कौन है सा जिसने इन सबको है बहकाया। वर्षा बड़ी बरसाई, सारे गोकुल में त्राही त्राही मच जाए। जलमग्न हुआ गोकुल, ऐसा बताते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। अपनी भूल पे सारे गोकुलवासी पछताए, व्याकुल होकर श्री कृष्ण के पास में वो जाए। गोकुलवासियों को श्री कृष्णा ने ढांढस बंधाया, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। गोवर्धन की शरण में आओ, कृष्ण बताते हैं। आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। समझ में आया, ब्रह्मा जी की शरण में इंद्र चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। बिल्कुल है बेकार, बोले इंद्र ही कृष्णा जी, जीते आप में हारा। बोले कृष्ण मैं तोड़ना चाहता था अभिमान तुम्हारा। इंद्रदेव कृष्णा के आगे शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। गोवर्धन पूजा की
आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। सातवें दिन नीचे रखा था गोवर्धन पर्वत, तभी से पूजा होने लगी इनकी हर वर। गोवर्धन की पूजा से बढ़ता है पशुधन, धन धाने से रहता है घर भी परिपूर्ण। गाय के गोबर से भक्त गोवर्धन बनाते हैं, गोवर्धन बनाते हैं। गोवर्धन पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। पूजा गोवर्धन की, कमी रहे नान धन की। की, कमी रहे नान धन की। पूजा गो